मेरा नाम सैयद अयाज है, मैं योला से ताल्लुक़ रखता हूँ और प्राइवेट जॉब मेरा प्रोफेशन है। फैज भाई, सवाल ये है कि सोशल मीडिया मीन्स फेसबुक पर अब कुछ इस्लाम के खिलाफ कुछ गलत फहमियाँ जो आई है, तो उसके लिए जो उसका जवाब देना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, फेक आईडी बनाते हैं और उसके जरिए से इस्लाम का दिफा करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं ताकि कुछ ये नहीं हो। तो इसके लिए इस्लाम में कितनी इजाज़त है, यानी अपनी आइडेंटिटी छुपा कर सोशल मीडिया पर वो करने की? भाई ने एक सवाल किया कि सोशल मीडिया पे अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके किसी चीज़ को या इस्लाम के दिफा में कोई चीज़ करना कहाँ तक दुरुस्त होगा। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, सोशल मीडिया पे ऑथेंटिसिटी या वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता आईडीज़ के लिए स्पेशल। हाँ, स्पेशल सेंस में तो होता है, जैसा फेसबुक वेरीफाई करता है आपके पेजेस को, ट्विटर भी वेरीफाई करता है आपके हैंडल या अकाउंट्स को, कुछ जगह तो होता है यूट्यूब भी करता है, बट इन जनरल इंटरनेट मीडिया पर वेरीफिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं। तो लिहाजा आप क्या आईडी बनाते हैं वो फेक है या ओरिजिनल है, उससे कोई वेरीफिकेशन नॉन वेरीफिकेशन का इशू तो नहीं। ठीक, हाँ, अगर कोई आईडी बनाकर धोखा दे रहा है तो तब तो कहा जाएगा कि गलत आईडी बनाकर धोखा दे रहा है। जैसा मिसाल के तौर पर एक आदमी के दो नाम है, घर का एक नाम और इस पेपर का एक नाम, अब उसने घर के नाम से आईडी बना दिया तो ये झूठी आईडी तो नहीं हुई ना, क्योंकि उसका वो भी नाम है। हम जानते हैं बहुत सारी रिवायतें जो हदीसें आती है, कभी उस सहाबी का जाती नाम आता है, कभी सहाबी की कुनियत आती है और कभी उनका लखब से आता है। कि जैसे कभी आ गया कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, तो कभी आ रहा है अबू अब्दुर्रहमान ने फरमाया, तो कभी आ रहा सैफुल्लाह ने फरमाया, मतलब समझ रहे ना आप, कभी लखब आ रहा है तो कभी कुनियत आ रही बच्चों की वजह से या कभी नाम आ रहा है, तो ये तो कोई मसला नहीं। तो अगर ऐसा कोई है कि मल्टीपल नेम से चला रहा है तो इसका तो कोई मसला नहीं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ सोशल मीडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप मोर देन वन आईडी नहीं बना सकते। अगर ये इलीगल है, अनएथिकल है आपके मतलब जो एरिया के अंदर, फिर तो आप ना करें। लेकिन एक आदमी अपने एक नाम से या एक और नाम जो उसका घर का बनाता है, जिससे वो दिफा कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, धोखा नहीं दे रहा, झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं जानता हूँ अक्सर जो सेकेंड आईडी बनता है वो क्यों होता है मुझे मालूम है। लोग एक आईडी बनाते मेल नाम से और दूसरी आईडी बनाते फीमेल नाम से, क्योंकि फीमेल पर ज़्यादा लाइक्स आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, और अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को लोग मारते आईडी से। ठीक है, वहाँ से चैट कर रही है, देखा रहे कोई लड़की का आईडी है और चैट कर रहा, ASL एज सेक्शन लोकेशन, तो ये बराबर एज डाल रहा 23 और उसका लोकेशन डाल रहा फुलां लंदन वगैरह ये वो, और उसका समझ ना फीमेल फ्रॉम, और आदमी पिछाते, ये तो जाहिर सी बात है सरासर धोखा है, याद रखें ये धोखा है। लेकिन आप अगर ऐसा जानते हैं कि सोशल मीडिया में जाकर आप धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके एक सेकेंड नेम से आप करते हैं जिसमें आप जवाबी कार्रवाई करते हैं, एक अकाउंट से आप जनरल मैसेज डालते हैं, तो बहरहाल मैं समझता हूँ इसमें धोखे वाला तो नहीं, धोखे वाला तो इसमें मामला कोई वो चीज़ नहीं। सेकेंड ये भी हो सकता है कभी मीडिया में अपने रियल आईडीज जाना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह आपके लिए, और जवाब देना भी ज़रूरी है वहाँ, क्योंकि आप दिफा की बात कर रहे हैं इस्लाम। तो बहरहाल ये एक ख़ास और मखसूस कंडीशन होंगी। यहाँ आप क्या करें, जब ऐसे कोई हालात और माहौल आए, अपने इलाके के उलमा से बात करें और उनसे इस मामले में मशवरा लें, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से वो वक्त वो हालात और वो इशू को देखते हुए इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। मैं उसको एक जनरलाइज करके जवाब आपको नहीं दे सकता कि हाँ जायज़ है नहीं जायज़, आप फिर पूछ लें इंशाल्लाह, वो बेटर वे में इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे और उस टाइम में फिर आपको जो बेटर वे लगे उससे करें। लेकिन एक बात तो बता दूँ, आप जिस भी आईडी से आपके चीज़ों को एक्सेस करते हैं, आपके आईपी लोकेशन से आप ट्रेस की जा सकते हैं, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। आप चाहे हैंडसेट यूज़ करें या कोई डेस्कटॉप यूज़ करें, आपके आईपी लोकेशंस होते हैं, तो अगर आप एक जगह से दो आईडी बनाकर वो भी कर रहे हैं, तो अगर इसमें कोई कानूनी पेचीदगी आती है तो आप वो आईपी से बिल्कुल ट्रेस किया जा सकते हैं कि एक ही आदमी ने दो चीज़ें यूज़ किया। इस शक्ल में अगर वो दूसरा अकाउंट आपसे रिलेटेड नहीं था तो आप पर केस बन सकता है, क्योंकि आपने फेक क्रिएट किया। मैं ही बोल रहा हूँ, ये लीगल इशूज़ है। ठीक, तो फेक था लेकिन आपकी सेकेंड कुनियत थी। ठीक है, एडवोकेट फैज सैयद अबू अब्दुर्रहमान मेरी ही कुनियत है, मैं साबित कर सकता हूँ मेरी ही आईडी है, मैं दो पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। बट प्लेनली आप बोलेंगे मैं ऐसा कर रहा हूँ या कम्युनिटी को उकसा रहा हूँ या जवाबी कर रहा हूँ, मैं दूसरों को बुरा भला कर रहा हूँ और भाग जाऊँगा, तो ये इतना सिंपल नहीं होता है। आप वो होते हैं और बहुत सारे खवानीन आईटी के मुतालिक इंडिया ने पास किए, और इंडिया उन दुनिया के चंद मुल्कों में से जो सबसे पहले वाले थे जिन्होंने आईटी कानून पास किया कि आईटी में अगर ये होता है, फेसबुक से ये नुकसान होता है, फुलां से ये होता है, अफवाह फैलाई जाती है फुलां, तो उस पर केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। हत्या के ग्रुप एडमिन के लिए भी उन्होंने व्हाट्सएप के जो अभी कुछ खवानीन बनाए, ताकि अगर वो भी ऐसे सेंसेशनाइज या ऐसे कोई इश्यूज जो सेंसिटिव होते हैं या मुल्क के खिलाफ या मुल्क के जिम्मेदारों के खिलाफ या उसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या प्रेसिडेंट के खिलाफ होता है, आप मॉनिटर होते हैं याद रखिए इस मामले में। तो लिहाजा फिर वो लीगैलिटी आप चेक कर लें और शरई मसला जो उलमा से पूछ लें इंशाल्लाह वो ज़्यादा बेहतर होगा।
अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।